जिंदगी में कितने पल मिले कौन परवाह करता है, हर पल में कितनी जिंदगी मिली फर्क तो उससे पड़ता है। बिल्कुल, यही तो इस शो की सोच है, यही इस शो का मकसद भी है। वेलकम टू दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, स्वर कोकिला, उड़ान परी, ड्रीम गर्ल, ये वो उपाधियां हैं जो लता मंगेशकर जी, पीटी उषा जी और हेमा मालिनी जी ने अपनी अपनी फील्ड में हासिल की हैं। ये तीनों महिलाएं अचीवर्स हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम इनकी जिंदगी को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें तो एक बात हमें बिल्कुल कॉमन मिलेगी और वो बात है एक छोटी सी आशा, आशा अपने सपनों को पूरा करने की, कुछ कर दिखाने की आशा। अगर आपके दिल में भी कोई छोटी सी आशा धड़कन बन के धड़कती है तो ये मंच आपके लिए। जी हाँ, यहाँ आप खेल खेल में अपनी छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। यहाँ मिल सकता है आपको एक ऐसा पल जो सवार देगा आपका आने वाला कल। कामयाबी के उसी पल की तलाश में आज भी हमारे साथ होंगी चार ख्वाहिशों की खिलाड़ी। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन आ रही है। मेरा नाम प्रीति पांडे है, मैं मुंबई दहिसर से हूँ और मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ। मेरे इंस्पिरेशन जो है मेरे पापा हैं, वो भी टीचर ही थे। मैं बच्चों को करीब 6 साल से पढ़ा रही हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी आना चाहते हैं मेरे ट्यूशन में, मगर मुझे उन्हें जगह कम होने की वजह से वापस भेजना होता है। मेरे यहाँ कई ऐसे बच्चे भी आए हैं जो फी नहीं पे कर पाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें ना कह दूँ, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें आगे बढ़ाऊँ। मैं यहाँ से कोई भी अमाउंट जीतूँ या कुछ भी करूँ, बस मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। उन्हें डेस्क नहीं है, बेंच नहीं, उन्हें मैं ज़मीन पर बिठाती हूँ, फ़ैन नहीं है, लाइट भी एक ही है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को, तो वो मैं उन्हें सुविधाएँ देना चाहती हूँ। मेरे ट्यूशन में आने वाले बच्चे मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह रखना चाहती हूँ और मैं उन्हें लाइफ में एक अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना चाहती हूँ। जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिनकी बातों को दोहराकर बोलना आया, ये बेटी उस माँ बाप का सहारा भी है और उनका गुरूर भी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुंबई से प्रीति पांडे का। प्रीति जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये टीचिंग प्रोफेशन है उसकी सबसे स्पेशल बात क्या लगती है आपको? एक्चुअली मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मुझे उनके साथ ज्यादातर टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे डैडी से इंस्पायर हूँ मैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं। आज वो रिटायर्ड हैं, बट आज भी उनके जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आज आपके साथ यहाँ पर कौन आए? मेरे साथ मेरी मम्मी आई हैं, मेरी सिस्टर आई है और मेरे कजिन ब्रदर आए हुए हैं। नमस्ते आंटी। जोरदार तालियों से आप लोगों का स्वागत है हमारे शो में। अब बारी है हमारी दूसरी ख्वाहिशों की खिलाड़ी से मिलने की, तो आइए देखते हैं उनकी एक छोटी सी झलक। मेरा नाम प्रिया है, मैं डेराबसी मोहाली से हूँ। जब मैं छोटी थी मुझे डांस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। जो हमारे पेरेंट्स थे वो सोचते थे कि बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ाई के अलावा अगर हम डांस करवाते हैं या दूसरी एक्टिविटीज करवाते हैं तो शायद उनका ध्यान बढ़ जाएगा, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाई। मेरी बेटी जब 3 साल की थी उसे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मुझे उस टाइम लगा कि मेरे अंदर की जो वो डांस की फीलिंग थी जो मैंने अंदर दबा रखा था वो उसके अंदर कन्वर्ट होके आ गया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को कि गॉड ने मुझे इतने अच्छे मम्मा दिए जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। मैं अंजलि को लेके जाती थी सिखाने के लिए चंडीगढ़। डेराबसी से चंडीगढ़ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था, तो शायद वो मेरे लिए बियर करना पॉसिबल नहीं था, तो मुझे इसको डांस से हटाना पड़ा। मेरे पास एक दुकान थी, इतना था कि उसको अगर मैं बेच देती हूँ तो मैं एक बेसिक एकेडमी खोल सकती हूँ। मैंने उसके सपने चुने। जब मैंने उस एकेडमी के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि इस डेराबसी में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो शायद बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पर किसी न किसी वजह से उनका रुक जाता है, तो मुझे लगा कि शायद वो बच्चे
भी मेरे ही बच्चे हैं या मेरी तरह ही हैं जो अपने सपने को अधूरा छोड़ देंगे। मेरी छोटी सी आशा यही है कि मेरी एकेडमी एक दिन उस जगह पे पहुंच जाए जहां से हर एक आशा चाहे कितनी भी बड़ी हो वो एकेडमी तक आके पूरी हो जाए। जो सपना अपना था वो बेटी की आंखों से देख लिया, जो वक्त ने इनको ना दिया उसे औरों को बांटना मकसद बना। प्लीज वेलकम डेराबासी मोहाली से आने वाली प्रिया मोहन जी का। प्रिया जी, आपने अपनी बेटी को डांस सिखाया तो कैसा लगा जब आपकी बेटी ने आपका सपना आपकी आंखों के सामने पूरा किया? बहुत अच्छा लगा। कई बार होता है कि किसी कारण से, जरूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कोशिश नहीं की, पर उस टाइम नहीं हो पाया जब हम चाहते कि हमारे जो उम्मीदें हैं हमारे बच्चों से पूरी हो, तो जब वो पूरा करते लगता है कि सच में खुद हम उनकी जगह पे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बेटी से मिलाइए हमें। अंजलि, आई लव यू मम्मा। हाय अंजलि। हाय, कैसी हो? ठीक। अंजलि, मैं मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकती। चलो आओ आओ, मम्मी को जोर से हग कर लो। चलो चलो फटाफट फटाफट फटाफट। खुशी के आंसू थे, है ना? खुशी के आंसू थे ना? अभी आप भी मम्मी की तरह एक अच्छी वाली क्यूट स्माइल दे दो। क्या बात है, ये अभी ना बात। पति जी भी आए ना यहाँ पे। नमस्ते। चलिए, मैं चाहता हूँ आप अपने अंदाज में एक बार प्रिया जी को ऑल द बेस्ट कहें। ऑल द बेस्ट। हाय हाय, सो क्यूट। जोरदार तालियां प्रिया जी के लिए। चलिए अब आपको मिलवाते हैं हमारी अगली ख्वाहिशों की खिलाड़ी से। हाय, मेरा नाम क्वीनी मेंडिस है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। मेरे पापा एक फुटबॉल प्लेयर थे और उनको देख के ही मुझ में वो इंस्पिरेशन आई थी। मेरे डैड एक्सपायर जब हुए थे मैं 13 साल की थी। उनके लास्ट वर्ड्स थे कि मेरी बीवी को बोलो कि क्वीनी को कभी फुटबॉल खेलना से रोकना नहीं। मम्मी, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं मुझे खेलने में। मैं 10 साल महाराष्ट्र के लिए नेशनल्स खेली हूँ। मेरा छोटा भाई वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए, उसके बाद मेरी मम्मी 6 महीने में वो गुजर गई। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी, वो हमेशा हम लोग को सिर उठा के जीना सिखाया था। उसकी स्ट्रेंथ देख के मैं भी बहुत स्ट्रांग हुई हूँ। अभी मैं बैंगलोर में लड़कियों के टीम को कोचिंग देती हूँ। लड़कियों बहुत इंटरेस्टेड खेलने में, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। हमें यू नो प्रॉपर शूज नहीं है एंड हमारे पास गोल पोस्ट के लिए नेट नहीं है। एक ही बॉल है वो भी क्वीनी ने हमें दिलाया है। हम लोग जो भी करते हैं हमारे पॉकेट मनी से करते हैं। मुझे एक एकेडमी खोलना है जहाँ पे मैं कोचिंग दे सकती हूँ। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने में, जहाँ पे लड़की लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे दो तो वो लोग टूर्नामेंट्स के लिए आएंगे खेलने को, और लड़की लोगों के लिए मैं कुछ स्पोर्ट्स में करूँ, वही मेरा एक आशा है। जिंदगी एक खेल, ये हमने अक्सर सुना है, पर खेल जिंदगी है ये साबित इन्होंने किया। प्लीज वेलकम क्वीनी मेंडिस। आप इतने मुश्किल दौर से गुजरी हैं, वो कौन सी ताकत थी जिसने आपको बांधे रखा? मैंने मेरी मम्मी को देखा है लाइफ में कैसी ऊपर आई है और हम लोग सबको स्ट्रेंथ दिया था, तो वो शायद वो ताकत मेरे में है और उसी से मैंने लाइफ में जीना सीखा है। वो स्ट्रेंथ, कोई ऐसा पल है जो आपके दिल में अभी तक है, जो आपने अपने मम्मी डैडी के साथ जो बिताया हो, ऐसी कोई याद? जब मेरे पापा गुजर गए तब उनके लास्ट वर्ड्स जो थे, मेरी मम्मी को बोला था कि कभी मुझे फुटबॉल खेलने से रोकना नहीं चाहिए। क्वीनी जी, आप वाकई में हम कितने लड़कियों को इंस्पायर करेंगी जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, जिनकी फैमिलीज कहती हैं कि स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए नहीं बना है। प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें उनकी ड्रीम्स के लिए, उनके एम्बिशंस के लिए। लड़कियाँ फुटबॉल टीम अगर जाना चाहती हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट करें। क्वीनी जी, किसके साथ आई हैं आप?
मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये मेरी फुटबॉल फैमिली से है। हेलो, आप कब से क्वीनी जी को जानती हैं? 20 साल हो गए अभी। 20 साल से हम लोग स्कूल से दोस्ती थे, फिर फुटबॉल से और ज़्यादा गहरा दोस्ती हो गए और आज ये लाइक अ फैमिली फ्रेंड ये है। थैंक यू सो मच क्वीनी जी के लिए, जोरदार तालियां। अब आपको मिलवाते हैं हमारी अगली ख्वाहिशों की खिलाड़ी से। मेरा नाम ज्योति चौधरी है, मैं दिल्ली से हूँ। बहुत ही खुशहाल परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैंने अपने दादा दादी को देखा है, लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब वो एक्सपायर हो गए। मुझे अपने दादी बाबा की सबसे ज़्यादा कमी तब लगती थी जब मेरे साथ के बच्चे अपने दादी बाबा के बारे में बताते थे कि आज मुझे दादाजी ने ये दिया या आज दादी ने ये वाली बात बताई, तो उन सब जगहों पे मुझे लगता था कि वो एक चीज़ जो है वो मैंने मिस कर दी। फिर उनका जो प्यार होता है, उनका जो लाड़ होता है, वो एक अलग ही होता है। मैं बचपन से अपने दादा दादी के प्यार के लिए तरसी हूँ, तो ये एक मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा औरों के साथ ना हो। अनगिनत ऐसे लोग हैं जो अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, और ऐसे ही अनगिनत बच्चे हैं जिनके अपने परिवार नहीं हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसा घर हो जिसमें उन बड़ों को भी बच्चों का प्यार मिले और बच्चों को बड़ों का साथ मिले। अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन ये ऐसी है जो अपनी सोच से परायों को अपना बनाती है। तालियों से स्वागत कीजिए दिल्ली की ज्योति चौधरी का। एक बात बताइए ज्योति जी, अपना सबसे बड़ा सपना ही आपने दूसरों के लिए देख लिया, ये विचार कहाँ से आया आपके मन में? एक्चुअली ये दूसरों का सपना नहीं है, ये मेरा खुद का सपना है कि मैं औरों को खुशी दूँ। इसके लिए ये नहीं कि मैं किसी पे कुछ एहसान कर रही हूँ, दूसरों को खुश करके मुझे खुशी मिलती है, तो अल्टीमेटली मैं खुद को खुश कर रही हूँ दूसरों को खुशी देके। आपके साथ आज यहाँ पर कौन आया है? मेरे हस्बैंड ने। हेलो। हाय। ये बताइए, जब आपको इनकी सोच के बारे में पता चला तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, बट शी इज द वन जिसने लोगों के बारे में सोचा। ज्योति जी, आपके इस नोबल थॉट में आपके साथ आपके पति आपको एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, हम इन दोनों के लिए जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू। हमारी चारों ख्वाहिशों की खिलाड़ी आ चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, सरपट सवाल। सरपट सवाल में हम आपसे एक एक करके कॉमन नॉलेज वाले 5 सरपट सवाल पूछेंगे। हर सवाल की कीमत होगी 10,000 रुपए और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। लेकिन वक्त की थोड़ी पाबंदी भी होगी, क्योंकि आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकेंड। तो क्या आप सरपट सवाल के लिए तैयार हैं? यस। तो सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे ज्योति जी से। ज्योति जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गोल्डन टेंपल भारत के किस शहर में है? आपके ऑप्शंस है ए अमृतसर, बी जयपुर, सी कोलकाता या फिर डी जम्मू। आपका समय शुरू होता है अब। अमृतसर। बिल्कुल सही जवाब ज्योति जी। आपका अगला सवाल, रूखी त्वचा से बचने के लिए इनमें से त्वचा पे क्या लगाना चाहिए? ए टूथपेस्ट, नमक और बेकिंग पाउडर का मिश्रण, बी एग योग और शहद और कॉफी, सी एग योग या टेलकम पाउडर, डी एग योग, शहद और दूध पाउडर। आपका समय शुरू होता है अब। डी एग योग, शहद और दूध पाउडर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तीसरा सवाल, बिल्कुल रेडी है आप? बिल्कुल। ओके, हरी मिर्च को ज्यादा देर तक ताजा रखने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सबसे असरदार है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिर्ची का ताना निकाल कर रखें, बी मिर्ची को आधा काट कर रखें, सी मिर्ची को पानी में रखें या फिर डी मिर्ची को न्यूज़पेपर में रखें। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए मिर्ची का ताना निकाल कर रखें। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये रहा आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए पीपल का पेड़, बी नीम का पेड़, सी बरगद का पेड़ या फिर डी आम का पेड़। आपका समय शुरू होता है अब। नीम का पेड़।
गलत जवाब है ज्योति जी। सही जवाब है बरगद का पेड़। ये रहा आपका अगला सवाल। सोडा वाटर में इनमें से क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी नाइट्रस एसिड। आपका समय शुरू होता है अब। सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने ये अनुमान लगाया था? श्योर थी? क्या था आपको पता था इसका जवाब? I really don't know. मुझे नहीं पता है। ज्योति जी, आपके पति को ये सवाल का जवाब नहीं मालूम था, पर आपको पता है, आप 40,000 रुपए जीत गई हैं। बिल्कुल सही जवाब है ये। अब बारी है क्वीनी जी की। क्वीनी जी रेडी? रेडी। आपका पहला सवाल, इनमें से कौन सा राज्य यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी अंडमान एंड निकोबार द्वीप, सी मेघालय या डी मिजोरम। आपका समय शुरू होता है अब। बी अंडमान और निकोबार। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, सही जवाब। पूछते हैं आपका दूसरा सवाल, इनमें से खांसी का सही घरेलू इलाज क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए खीरे यानी ककड़ी का रस पिए, बी शहद खाएं, सी दही खाएं या डी चॉकलेट का सिरप पिए। आपका समय शुरू होता है अब। डी शहद खाएं। सही जवाब। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए कपड़ों में लौंग डालें, बी कपड़ों को पानी में भिगोएं, सी कपड़ों पे बोरिक पाउडर छिड़के या डी कपड़ों पे नमक छिड़के। आपका समय शुरू होता है अब। बी कपड़ों को पानी में भिगाएं। ये आपका गलत जवाब है, अफसोस। सही जवाब है कपड़ों में लौंग डालें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए शेर, बी बाघ टाइगर, ऑप्शन सी चीता या डी हाथी। आपका समय शुरू होता है अब। बी बाघ। सही जवाब क्वीनी जी। आपका पांचवा सवाल, सामान्य तौर पे एक एडल्ट इंसान की साधारण हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 32 बीट्स एक मिनट में, ऑप्शन बी 72 बीट्स एक मिनट में, ऑप्शन सी 132 बीट्स एक मिनट में और ऑप्शन डी 110 बीट्स एक मिनट में। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी 72 बीट्स एक मिनट में। क्या लगता है आपको सही जवाब है? डाउट क्लियर कर दीजिए। आप 40,000 रुपए जीत गई हैं, क्वीनी जी। माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। प्रिया जी, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, झारखंड की राजधानी क्या है? ए रायपुर, बी देहरादून, सी रांची या फिर डी भोपाल। आपका समय शुरू होता है अब। सी रांची। सही जवाब दिया है आपने। तो ये रहा आपका अगला सवाल, मुंह के छालों के लिए सबसे असरदार घरेलू नुस्खा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए शहद और हल्दी का पेस्ट लगाएं, बी पपीये का जूस पिए, सी चंदन का पेस्ट लगाएं या फिर डी नमक लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। शहद और हल्दी का पेस्ट लगाएं। 20,000 रुपए जीत चुकी हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, लहसुन के छिलके निकालने के लिए सबसे सही घरेलू नुस्खा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए लहसुन को मेथी का पानी में भिगोएं, बी लहसुन को विनेगर में डुबोएं, सी लहसुन को आमला के रस में भिगोएं या फिर डी लहसुन को छीलने से पहले थोड़ा गर्म करें। आपका समय शुरू होता है अब। लहसुन को मेथी के पानी में भिगोएं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है प्रिया जी कि ये गलत जवाब। सही जवाब बता दूं आपको, लहसुन को छीलने से पहले थोड़ा सा गर्म करें। चौथा सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोर, बी बास, सी चिड़िया या फिर डी कौवा। आपका समय शुरू होता है अब। ए मोर। सीधा ये कह दूं कि 30,000 रुपए आपके हो गए तो। अरे जरा तालियां बजाइए यार। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, एक स्वस्थ मानव के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 1। आपका समय शुरू होता है अब। ए 2। प्रिया जी कॉन्ग्रेचुलेशन, 40,000 जीत गई है। प्रीति जी,
ऑन अ सीरियस नोट, आपने देखा ना कि कंपटीशन कितना टफ हो गया है। ज्योति जी, क्वीनी जी और प्रिया जी ने पूरे 40,000 रुपए जीत लिए। कड़ी टक्कर है प्रीति जी, लेट्स बक अप और शुरू करते हैं हमारे सवाल। रेडी? ओके, रेडी। आपका पहला सवाल, भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी हैदराबाद। आपके समय शुरू होता है अब। ए जयपुर। ए जयपुर सही जवाब। श्री गणेश नमः किया है आपने प्रीति जी। आपका दूसरा सवाल, डैंड्रफ दूर करने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए सर की त्वचा पे दही लगाएं, बी सर की त्वचा पे घी लगाएं, सी सर की त्वचा पे हिना और हल्दी लगाएं या डी सर की त्वचा पे मैदा लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। सी सर की त्वचा में हिना और हल्दी लगाएं। प्रीति जी, डैंड्रफ दूर करने के लिए जो आपने जवाब दिया है वो गलत है। सही जवाब है सर की त्वचा पे दही लगाएं। मैं पूछती हूँ आपसे आपका तीसरा सवाल, धनिया और पुदीने के पत्तों को ताजा रखने का इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सबसे असरदार है? आपके ऑप्शंस हैं ए पत्तों को न्यूज़पेपर में रखें, बी पत्तों को धूप में रखें, सी पत्तों को प्लास्टिक में रखें या डी पत्तों को मलमल के कपड़े में रखकर फ्रिज में रखें। आपका समय शुरू होता है अब। डी पत्तों को मलमल के कपड़े में रखकर फ्रिज में रखें। डी? डराइए मत, मैं पहले से डर रही हूँ, मुझे कंफ्यूजन। डोंट वरी, आपका जवाब सही है प्रीति जी। आपका चौथा सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी या डी अशोका। आपका समय शुरू होता है अब। बी कमल। सही जवाब। आपका पांचवा और आखिरी सवाल पूछती हूँ मैं आपसे अभी, हड्डियों और दांतों में इनमें से कौन सा मिनरल होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी सोडियम, सी कैल्शियम या डी हीलियम। आपका समय शुरू होता है अब। सी कैल्शियम। सी कैल्शियम। सही जवाब प्रीति जी। हमारी ख्वाहिशों की खिलाड़ियों, आप लोगों की पहले राउंड की परीक्षा खत्म हुई और अब बारी है रिजल्ट्स की। तो आइए बुलाते हैं हमारे धनी राम जी को जो आप सबकी कमाई का हिसाब रखते हैं। तो रिजल्ट्स हैं, ज्योति जी आपने कमाए हैं 40,000 रुपए, विनी जी आपको भी कंग्रेचुलेशन, आपने भी कमाए हैं 40,000 रुपए, प्रिया जी मुस्कुराते हुए एक लंबी सी स्माइल देखे आपने भी कमाए हैं 40,000 रुपए, और प्रीति जी डरते डरते सहमते सहमते आपने भी कमाए हैं 40,000 रुपए। यहाँ मिलेगा ऐसा पल जो सवार देगा आपका आने वाला कल। इस राउंड में हम अपनी ख्वाहिशों की खिलाड़ियों को खिलाएंगे कुछ मजेदार और मस्त मलंग टाइप के खेल। हमारे इस दूसरे राउंड का नाम है 51 का शगुन। 51 का शगुन में हर खेल को खेलने के लिए मिलेंगे सिर्फ 51 सेकंड्स। इस राउंड में हम आपको टोटल 3 गेम्स खिलाएंगे और हर खेल की कीमत होगी 40,000 रुपए। लेकिन याद रखिएगा, 51 का शगुन हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड भी है। तो खेलिए ऐसा कि आप जीत सके खूब सारा पैसा। आर यू रेडी? यस। इस गेम का नाम है आटा तोलो। सिंपल सा गेम है। इस गेम में बस आपको एक चम्मच से आटा उठाना होगा और उस आटे को दूसरी प्लेट में डालना होगा, और 51 सेकंड्स के बाद हम सबके इकट्ठे किए हुए आटे को तोलेंगे और जिसका वजन सबसे ज्यादा हुआ वो होगा विजेता, उसे मिलेगा 40,000 रुपए। मगर चम्मच आपको हाथों से नहीं दांतों से उठाना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार है। आपके 51 सेकंड शुरू होते हैं अब। कमान, गो फॉर इट। वेरी गुड प्रीति जी, सुपर। ज्योति जी थोड़ा और आटा। प्रीति जी ज्यादा डालिए, आपने सबसे कम डाला है। अरे जल्दी कीजिए, क्वीनी जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
स्टॉप। शुरू करते हैं ज्योति जी आपसे, अपनी प्लेट यहाँ ले आए। पॉइंट 277 ग्राम्स। चार सौ पैंतालीस ग्राम। हमारी इस पहली गेम की विनर है क्वीनी जी। आपने जीते हैं 40,000 रुपए। आपका जो ये सपना था कि आप अपनी एक फुटबॉल की एकेडमी खोले, कैसा महसूस कर रही है आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अभी मुझे जो करना है वो और एक स्टेप आगे बढ़ सकती हूँ गर्ल्स एकेडमी बनाने में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे गेम की तरफ जिसका नाम है मोजो की खोज। इस गेम में आप सबके सामने मोजे रखे हुए हैं, अलग अलग पैटर्न के, अलग अलग डिजाइन के। आपको सिर्फ इनकी जोड़ियां बनानी है। जोड़ियां बनाने के लिए आप एक मोजे में दूसरे मोजे को डाल देंगी। इस तरह से 51 सेकंड्स में जो सबसे ज्यादा मोजे इकट्ठे करेंगी वो जीत जाएंगी पूरे 40,000 रुपए। शुरू करें? चलो, लेट्स डू इट। आपके 51 सेकंड शुरू होते हैं अब। कम ऑन, चीयर फॉर देम गाइस। क्या बात है, क्या बात है। मोजे में मोजा डालने के बाद आपको उसे टेबल पर रख देना है। अगर वो टेबल पर नहीं रखा होगा तो हम उसे नहीं गिनेंगे। Come on! जल्दी कीजिए। प्रिया जी, मोजे गिरे ना बाजू में, ध्यान रखें। 5, 4, 2, 3, 1, stop। 1, 2 और ये 3। एक, दो, ये तीसरा और ये चौथा। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, चार। एक से एक पांच मोजे। क्या बात है प्रिया जी के लिए। प्रिया जी, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, आपने ये गेम जीत लिया, 40,000 रुपये जीत लिए। पहले के 40,000 और ये 40,000, 80,000 रुपये जीत गई हैं आप। क्या लगता है अपने सपने की तरफ कितना आगे बढ़ पाई हैं? अब तो मुझे लगता है कि शायद मेरे सपने मेरे करीब आ गए हैं, मैं सपनों के पास नहीं गई हूँ। मेरी एक अंदर की अपनी ये थी कि मैं एक गाड़ी लूँ ताकि जो हमारी जगह है डेरा बसी, उसके बच्चे तो मेरे पास आ जाते सीखने के लिए, पर गाँव के जो दूर के बच्चे हैं वो चाहते हुए भी नहीं आ पाते और मैं चाहते हुए भी उनको नहीं सिखा पाती। कभी वर्कशॉप लगाते हैं, सीख लेते हैं। अब मैं इसे इतने पैसे दे के, मैं डाउन पेमेंट दे के मैं गाड़ी ले सकती हूँ लोन पे, और बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे दे दूंगी। क्या बात है। 51 का शगुन का तीसरा और आखिरी गेम है दर्जी की मर्जी। इस गेम में आपको बहुत सारे टिच बटन यानी स्नैप बटन दिए जाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि बिछड़े हुए बटन को मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये राउंड। आपके 51 सेकंड्स शुरू होते हैं अब। कमान ज्योति जी और प्रीति जी, आखिरी मौका है ये इस मंच पे रहने का। सेम साइज के बटन ही मिलाने हैं, ये याद रखिए। जल्दी जल्दी, समय भागता जा रहा है। कमान प्रीति जी, ज्योति जी, कमान, मौका, आखिरी मौका है ये 40,000 कमाने का और शो में बने रहने। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, छः, छः, सात। प्रिया जी, आप और 40,000 रुपए जीत चुकी है, यानी 1,20,000 रुपए जीत गई हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो लगता था कि 20-30,000 रुपए मैं जीत लूं, बहुत है मेरे लिए,
क्या क्या कितने सपने पूरे हो जाएंगे, कहाँ तक पहुँची आप अपने? अब तो मैं बहुत आगे तक देखने लगी, अब तो मुझे अपनी एकेडमी भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा स्टेप वाइज। अब मुझे लग रहा कि मैं मंजिल की तरफ, मंजिल मेरी तरफ आ रही है। तालियां जोरदार। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। आइए बुलाते हैं हिसाब किताब के पक्के धनी राम जी को और पता करते हैं हमारी चारों ख्वाहिशों के खिलाड़ियों की अब तक की कमाई हुई रकम। हमारे धनी राम जी के स्कोर कार्ड के हिसाब से सबसे आगे चल रही है प्रिया मोहन जी पूरे 1,20,000 पर। दूसरी पोजीशन पर है क्वीनी जी जिन्होंने कमाए हैं 80,000 रुपए। तीसरी पोजीशन पर प्रीति जी और ज्योति जी के बीच में टाई हुआ है, ये दोनों इस वक्त हैं 40,000 रुपयों पर। और अब इन दोनों में से कौन जाएगा हमारे अगले राउंड में, उसका फैसला करने के लिए हम इन दोनों के बीच खेलेंगे हमारा टाई ब्रेकर गेम। प्रीति जी और ज्योति जी, इस टाई ब्रेकर गेम में आप दोनों को किसी भी एक हाथ का इस्तेमाल करके अपने एक हाथ की मुट्ठी में रंगोली भर के उसे दूसरे प्लेट में डालना है। याद रखिए कि आप दोनों को एक ही मौका मिलेगा, भर लीजिए अपनी अपनी मुट्ठियों में अपनी अपनी ख्वाहिशों के रंग। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। On your marks, get set, go. Stop. हम जल्दी से माप लें। चलिए आइए ज्योति जी अपनी प्लेट लेकर। 303 ग्राम। प्रीति जी आ जाइए, 303 ग्राम के ऊपर जाना है। 332 ग्राम। प्रीति जी टाई ब्रेकर में जीत गई हैं आप, मुबारक हो। प्रीति जी बढ़िए अपनी जगह की ओर, क्योंकि आप जाने वाली हैं हमारे अगले राउंड में, यानी कि तीसरे राउंड में। जोरदार तालियां प्रीति जी के लिए। आज ज्योति जी आप हमें अलविदा कहेंगी। ज्योति जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप यहाँ इतने नेक ख्याल के साथ आई थी कि आपको बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक होम बनाना है, आप हमारे लिए और हम सब के लिए उसी पल एक विनर हैं, है ना? डेफिनेटली। आपने 40,000 ऑलरेडी कमा लिए हैं, मतलब आपने अपने सपने की तरफ पहली शुरुआत कर दी है। यस, मैं मैक्सिमम करना चाहूंगी बुजुर्गों के लिए मेडिसिन स्पेशली जी, बच्चों के लिए कपड़े टॉयस, उसमें उन्हें खुशी मिलेगी और बड़ों की जरूरतें पूरी होंगी। ज्योति जी क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, इस चैनल ने एटलीस्ट मुझे वो स्टार्ट दिया है कि मैं आगे बहुत जाऊंगी, डेफिनेटली अपनी मंजिल पाऊंगी। इंशाल्लाह आप जरूर जल्दी पाएंगी, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपकी मंजिल पाने का पहला कदम आपने हमारे इस शो से किया। आपके जज्बे को सलाम है, प्लीज आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। वेलकम बैक टू दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। हमारे इस तीसरे और फिल्मी राउंड का नाम है फिल्मी बायोस्कोप राउंड। हर सवाल संबंधित होगा किसी फिल्म से, और हर सवाल की कीमत होगी पूरे 30,000 रुपए। शुरू करें। पहला सवाल, फिल्म दिल चाहता है में आकाश, समीर और सिद छुट्टियों के लिए कहां जाते हैं? क्वीनी जी गोवा। सही जवाब। तो आपका दूसरा सवाल है, फिल्म लगान में अंग्रेज टीम से हारने पर चंपानेर के गांव वालों को कितना गुना लगान देना पड़ता? प्रीति जी 3 गुना। सही जवाब। अगला सवाल, फिल्म भूल भुलैया में अक्षय कुमार जब शाइनी आहूजा के घर आते हैं तो कौन सा भारतीय पोशाक उन्होंने पहना हुआ है? प्रिया जी धोती कुर्ता। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, फिल्म ओम शांति ओम में मुकेश मेहरा ने शांति प्रिया की लाश कहां दफनाई थी?
प्रीति जी दीवार में फोटो फ्रेम के पीछे। प्रीति जी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जवाब गलत है, पर क्योंकि प्रिया जी और क्वीनी जी ने बजर नहीं दबाया तो ये सवाल आगे पास ऑन नहीं हो सकता। पर मैं आपको सही जवाब बताना चाहूंगा, उन्होंने शांति प्रिया की लाश छुपाई थी झूमर के नीचे। बट फिर भी प्रीति जी अभी भी दो क्वेश्चन बाकी हैं, 60,000 रुपए जीत सकती हैं आप। तो रेडी हैं आप अगले सवाल के लिए? फिल्म चांदनी में श्रीदेवी के हाथों में कितनी चूड़ियां थी? प्रीति जी 9 चूड़ियां। सही जवाब। प्रीति जी यस सर, अगर आप इस सवाल का जवाब भी देती हैं तो आप क्वीनी जी से आगे बढ़ जाएंगे। आपके लिए ये सवाल बहुत अहम है, बहुत जरूरी है इस गेम में बने रहने के लिए। अगला सवाल, फिल्म कल हो ना हो में शाहरुख का किरदार अमन, सैफ यानी रोहित को कितने दिन में लड़की पटाने का प्लान बताता है? प्रीति जी 1 हफ्ते 10 दिन। 1 हफ्ता और 10 दिन? 2 दिन। प्रीति जी आपने कहा 10 दिन, क्वीनी जी आपने कहा 2 दिन। सही जवाब है 6 दिन। फिल्म में डायलॉग था 6 दिन लड़की इन। अब बारी है धनी राम जी को बुलाने की और इन तीनों ख्वाहिशों की खिलाड़ियों की अब तक की कमाई पता करने की। तो धनी राम जी के हिसाब से स्कोर्स कुछ इस तरह है। क्वीनी जी आप जीत चुकी हैं 1,10,000 रुपए। प्रिया जी आपने जीते हैं पूरे 1,50,000 रुपए। प्रीति जी आपने जीते हैं 1,00,000 रुपए। प्रीति जी प्लीज आप मंच पे आ जाएं। प्रीति जी आप क्या महसूस कर रही हैं? जिंदगी एक रेस है, दौड़ते रहना है, बहुत सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरी भी लाइफ में घटी हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करके मैंने ये हंसना सीखी और मैं इसे खोना नहीं चाहती, जो मिला खुश हूँ। आंटी आपकी बेटी यहाँ से इतनी अच्छी एक रकम जीत के जा रही है, वो 1,00,000 रुपए जीती है हमारे शो से। आप मंच पे आ जाइए, आइए। हाँ। आपकी बेटी जो इतनी सक्षम है, सक्षम है और यहाँ तक पहुँची, ये मंच तक पहुँची, मेरे लिए यही एक गर्व की बात है। मैं यही चाहूंगी कि संसार के जितनी भी माताएं हैं, कोई भी संकट आए लेकिन लड़कियों को जो है शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाएं और अपने पैरों पे खड़ा करें, चाहे कोई भी तकलीफ, क्योंकि ये लड़की मेरी बहुत तकलीफ उठाई है। आज जो है ये मंच में पहुंचने का सबसे बड़ा, मैं ये चैनल को जो है एक धन्यवाद दे रही हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो मेरी बेटी का आज ये नवा पहचान बना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और मैं एक बात उन औरतों के लिए कहना चाहूँगी कि इस समय आए दिन रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है, घर में लेडीज़ बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं और सह लेती हैं और रहती हैं, बस इतना उनको बोलूँगी कि अपने स्वाभिमान को ख़त्म मत करने दो, आपकी एक पहचान है, आप उसे बनाए रखो, क्योंकि आप अगर अपने पहचान को खो देती हो तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। प्रतिभा और सिद्धार्थ प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू प्रतिभा आंटी और सिद्धार्थ, आप हमारे शो में आए। यहाँ मिलेगा एक ऐसा पल जो सवाल सकता है आपका आने वाला कल। बड़ी जीत हासिल करने के लिए बड़े चैलेंज से टकराना पड़ता है,
हमारी दोनों फाइनलिस्ट के लिए उस बड़ी जीत को हासिल कर लेने का पल आ चुका है। वक्त हो गया है हमारे चौथे और आखिरी जैकपॉट राउंड का, जो फैसला करेगा कि किसकी ख्वाहिश सच होगी। तो चलिए लगाते हैं इस गेम शो का टॉप गियर और शुरू करते हैं हमारा जैकपॉट राउंड। हमारे इस चौथे और आखिरी राउंड का नाम है ज्ञान की कसौटी। याद रखिएगा, ये एक बजर राउंड होगा, इसलिए जो पहले बजर दबाएगा उनको जवाब देने का मौका मिलेगा। इस आखिरी राउंड में कीमत सवालों की नहीं, पूरे राउंड की होगी। इसीलिए आप दोनों में से जो भी ज्यादा सवालों के सही जवाब देंगी, वो पूरे राउंड की कीमत ले जाएंगी। तो ख्वाहिशों की खिलाड़ियों, अपनी ख्वाहिशों को अंजाम देने के लिए हो जाइए एकदम तैयार। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का आखिरी राउंड ज्ञान की कसौटी। आपका पहला सवाल है, भारत की कौन सी स्मारक दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है? आपके ताजमहल। सही जवाब। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल, इनमें से कौन सी चीज दही जमाने में मदद करती है? आपके ऑप्शंस है ए बैक्टीरिया। प्रिया जी, बैक्टीरिया सही जवाब। और बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर, जर्मन शेपर्ड कौन से जानवर की नस्ल है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिल्ली, बी हिरन, डॉग। आपका जवाब बिल्कुल सही है क्वीनी जी। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड भारत के किस महाकाव्य का हिस्सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए रामायण, बी प्रिया जी रामायण। क्या बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जैकपॉट 5 लाख रुपए। आपका सवाल ये रहा, पाकिस्तान के अलावा भारत की पश्चिम सीमा पर और कौन सा देश है? आपके ऑप्शंस हैं ए सऊदी अरेबिया, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार या फिर डी बांग्लादेश। बी अफगानिस्तान। सही जवाब है। आप जैकपॉट राउंड जीत गए हैं क्वीनी जी। प्रिया जी आप मंच पर आए। प्रिया जी आप जीती हैं 1.5 लाख रुपए। आप कैसा महसूस कर रही हैं? तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब कई चीजें होती है जो हम अपने सपने में सोचते हैं, पर कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमारे ड्रीम में भी नहीं होती। तो ये लेवल जो है मेरा उस सपने पे है, जहां तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे इस बात का तो जरा सा भी ये नहीं है कि शायद मैं फिनाले नहीं जीत पाई। मुझे तो इस बात की खुशी कि 4 राउंड क्लियर करके मैं यहां तक आ गई। अंजलि और अंजलि के पापा आप दोनों स्टेज पे आ जाइए। ये खुशियों का मंच है और ये पल आपका है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और अब हमारे आज के शो की विजेता क्वीनी जी को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। क्वीनी जी आज आप यहां से 6,10,000 रुपए जीत के जा रही है। आपके पिताजी के जो आखिरी शब्द थे, आपने उनकी लाज रख दी। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ है जो मुझे फुटबॉल की तरफ ही ले रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट अच्छा ही हो रहा है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आपके साथ आपकी फुटबॉल फैमिली से एक फ्रेंड आई है। आप कितनी खुश हैं आपकी फ्रेंड का आज? बहुत खुश हूँ। आपने सोचा था कि ये आज गेम शो जीत जाएंगी, इस मुकाम पर पहुंच जाएंगी? कभी नहीं सोची, लेकिन मैं बहुत बहुत खुश हूँ।
आइए उन्हें हक करके आप कंग्रेचुलेट कर दें। और अब वक्त है क्वीरी जी को सम्मानित करने का, जोरदार तालियां। पत्थर से मजबूत होती है चट्टान और चट्टान से मजबूत होता है इरादा। आज जो कारनामा करके दिखाया है क्वीनी जी ने, इन्होंने हासिल किए हैं वो पल जो सवार सकता है इनका आने वाला कल। अगले हफ्ते भी ढेर सारी मस्ती धमाल और हंसी मजाक के बीच देखिए एक और छोटी सी आशा को पूरा होते हुए। सो टिल देन गुड नाइट एंड सी यू ऑन नेक्स्ट संडे।